बरेली के मीरगंज से चालक एवं हेल्पर ने लखनऊ से लेकर मीरगंज तक 416 चाय की पत्ती बैग का गबन कर दिया। इस मामले में ट्रांसपोर्टर के द्वारा वाहन में लगे जीपीएस सिस्टम से ट्रक की लोकेशन हासिल करते हुए मीरगंज पुलिस को मामले की सूचना देकर तहरीर दी। इस पर पुलिस ने तहकीकात करते हुए 25 लाख कीमत की 416 चाय के बैग मीरगंज कस्बे के दो स्थानों से बरामद करते हुए एक आरोपी को हिरासत में ले लिया और उसके बाद उनको जेल भेज दिया। फिलहाल ट्रक नदारद एवं चालक फरार है। फरार वाहन चालक की तलाश में पुलिस जुट गई है। विगत 4 अक्टूबर 2021 को पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से ट्रक नंबर PB10FB6263 में विभिन्न ब्रांड के 522 बैग लादकर चालक संदीप कुमार पुत्र सुभाष चंद्र निवासी मकान नंबर 740 गली नंबर 6 गुरु अर्जुन देव नगर समराला चेक लुधियाना पंजाब लेकर अमृतसर पंजाब के लिए मीरगंज थाना इलाके के गांव सैजना निवासी हेल्पर बबलू पुत्र बबू शाह के साथ चला था। उसके बाद निर्धारित समय पर चालक माल लेकर नहीं पहुंचा। उसके बाद ट्रक की ट्रांसपोर्टर द्वारा तलाश की जाने लगी और वाहन में लगे जीपीएस सिस्टम को उन्होंने खंगाला तो वाहन की लोकेशन 20 घंटे तक मीरगंज कस्बे में घूमते हुए नजर आए। इस पर सुजीत सिंह पुत्र हंसराज ब्रांच मैनेजर बजाज एक्सप्रेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड लुधियाना ने थाना मीरगंज पहुंचकर वाहन चालक के खिलाफ तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया। इसको इंस्पेक्टर दयाशंकर ने अपने साथ एसआई सतवीर सिंह व हेड कांस्टेबल विपिन कुमार व घनश्याम को साथ लेकर मामले की खोजबीन शुरू कर दी। काफी मशक्कत के बाद वाहन के हेल्पर बबलू पुत्र बबू शाह निवासी ग्राम सैजना थाना मीरगंज को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो मामले से पर्दा उठ गया और उसकी निशानदेही पर पुलिस ने सिंधौली रोड पर बनी राम स्वरूप की दुकान से चाय की पत्ती के 240 बैग एवं कस्बा के मोहल्ला राजेंद्र नगर की दो दुकानों में से 173 विभिन्न ब्रांड की चाय की पत्ती के बैग बरामद की। सीओ सुनील कुमार राय ने बताया कि हिरासत में आए आरोपी बबलू ने पूछताछ में बताया कि चालक संदीप 20 दिन पूर्व उससे वाहन पर पश्चिम बंगाल ले गया और वहां से चाय की पत्ती के बैग लोड कर चल दिए। संदीप ने उससे कहा कि तुझे 3 लाख रुपए देंगे और कहीं भी ट्रक समेत पूरे सामान को बेच लेंगे। उसके बाद कई जगहों पर रुककर कई ढाबों पर चाय के बैग बेच दिए। रास्ते में लखनऊ पहुंचने पर 35 बैग चाय की पत्ती अपने किसी मिलने वाले को बुलाकर दी थी। उसके बाद मीरगंज पहुंचने पर उसके बबलू के द्वारा सिंधौली चौराहे एवं राजेंद्र नगर मोहल्ला में ली गई दुकानों पर 406 बैग उतार कर चालक संदीप शेष बाकी बचे बैग लेकर रामपुर की ओर चला गया। इंस्पेक्टर दयाशंकर ने बताया कि एक आरोपी बबलू को हिरासत में लेकर 416 चाय की पत्ती के बैग बरामद करते हुए दोनों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया, लेकिन चालक संदीप की तलाश जारी है। जनपद बरेली से प्रथम टीवी न्यूज इंडिया के लिए लादेन मंसूरी की रिपोर्ट। चाय पत्ती कहाँ से ला रहे थे? ये आसाम से आई थी। चोरी की थी? नहीं सर, चोरी की नहीं थी। और पूरी बात बताओ। ड्राइवर संदीप कुमार ड्राइवर था, गाड़ी जोड़ रही थी। उसने यहाँ मेरे से गोडाउन को नहीं बोला, मैंने गोडाउन दिलवाया किराए पे, गोडाउन में खाली करके बोला 15 दिन में लौट के आऊंगा, अपना माल उठा के ले जाऊंगा। माल ले गया, उठा अभी तक आया नहीं, कोई पता नहीं। एक बार मेरी कॉल से बात हुई, उसके बाद में कोई इसका पता से रही नहीं, अभी तक कोई बात ही नहीं हुई इससे दोबारा लौट के। ये आपने कहाँ उतारा है माल? ये यहाँ पे इस रोड पे उतारा, गन्ना फैक्ट्री के पास में और चुरई रोड पे। चुरई के पीछे भी कहीं उतारा था आपने? नहीं सर, वहाँ पे होटल पे उसने एक दो बैग जो बेचे होंगे बेचे। हाँ जी, लखनऊ भी बता रहा था कि 15-20 बैग मैंने दिए। मैं लखनऊ से तो मुझे बैठा दिया था सीतापुर के लिए, इधर के लिए। आप कहाँ के रहने वाले हो? संपर्क हुआ था आपसे? हाँ जी। संदीप से कहाँ संपर्क हुआ था? उससे घर पे ही आया था सर, एक चक्कर पहले मेरे से बोला था कि मेरे संग कोई हैनी से भरा हुआ है, कच्चा माल है, वो होगी नहीं मंडी, ये संग में चल गाड़ी चला लेना थोड़ी बहुत, बस इस करके मैं चला गया। 2 साल हो गए घर पे बैठे हूँ। पहले कहाँ से? पहले मैं सर पंजाब में गाड़ी चला रहा था। नहीं, इसके संग नहीं चला था, अकेला चलाता था सर। एक ही ट्रांसपोर्ट पर? हाँ जी, एक ही ट्रांसपोर्ट पे चलाता था। ये भी गाड़ी चला था? हाँ, मैं भी चलाता था। हाँ जी, हाँ जी, वहीं से संपर्क 2012 में चलाता था। मैं तो आ गया था 16 से, पहले छोड़ के आ गया था, उसके बाद गाड़ी बाजी मैंने बंद कर दी है। मैं घर पे अपने खेती बाड़ी करता हूँ। आप कहाँ के रहने वाले हो? सैजना गाँव का। चलिए, 4 अक्टूबर को बजाज एक्सप्रेस इंडिया लिमिटेड लुधियाना कंपनी चाय की पत्ती ट्रक पर लोड हुई थी अमृतसर के लिए, और अमृतसर के लिए चली, लेकिन नियत समय पर अमृतसर नहीं पहुंची तो उसके ब्रांच मैनेजर उस कंपनी के तलाश करने लगे। तलाश के दौरान उनको ये पता चला कि रास्ते में वो ट्रक 20 घंटे इधर उधर घूमती रही।
उनके तारीफ पर प्रभारी निरीक्षक मीरगंज द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया 406 आई पी सी का उनके ट्रक चालक संदीप के खिलाफ जो लुधियाना का ही रहने वाले दौरान विवेचना विवेचक उप निरीक्षक सुखबीर सिंह और प्रभारी निरीक्षक के प्रयास से ये पता चला कि ट्रक चालक संदीप ने यहाँ के एक व्यक्ति बबलू जो सहजना गांव का रहने वाला है उसके साथ सहयोग करके यहाँ पर चाय रास्ते में भी उन सबों ने बेचा था, विभिन्न ढाबों पर लखनऊ में भी बेचा था और भारी मात्रा में करीब 416 बैग चाय जो है बबलू ने यहाँ रख लिया था, गबन कर लिया था और वो आज गिरफ्तार हुए। 416 बैग चाय जो है मीरगंज पुलिस ने बरामद किया। प्रवेश प्रारंभ। सम्राट बॉक्सिंग सेंटर टेवा कॉलोनी गेट के सामने फाजलपुर रेलवे फाटक गजरौला जनपद अमरोहा। कॉन्टैक्ट नंबर 9927151730। जल्द ही संपर्क करें। प्रथम टीवी न्यूज इंडिया अपने दर्शकों से निवेदन करता है कि जब बहुत जरूरत हो तभी घर से बाहर निकलें, अपना ध्यान रखें और अपनों का ख्याल रखें, मास्क का प्रयोग करें और उचित दूरी बनाए रखें। धन्यवाद।